हिमाचल देवभूमि है, जहां भगवान शिव के कई धाम हैं। देवभूमि में महादेव का बैजनाथ मंदिर विश्व में प्रसिद्ध है। भगवान शिव के इस मंदिर से कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं। कहते हैं रावण ने शिव की कठोर तपस्या करते हुए 9 बार अपना शीश काटा और 10वीं बार भगवान शिव ने प्रकट होकर रावण को रोक लिया। तब रावण ने भोलेनाथ को बैद्यनाथ कहकर पुकारा। कहते हैं रावण ने भगवान शिव को लंका ले जाने का वरदान प्राप्त किया था। वरदान स्वरूप भोलेनाथ ने एक शिवलिंग रावण को देकर कहा कि तुम इसे जहां एक बार स्थापित करोगे मैं वहीं रहूंगा। शिवलिंग को लंका ले जाते वक्त रावण को रास्ते में लघु शंका लग गई और रावण ने एक गडरिये को शिवलिंग पकड़ा दिया, लेकिन गडरिया शिवलिंग का भार ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाया और शिवलिंग को वहीं जमीन पर रख दिया। रावण जब लौटा तो उसने शिवलिंग को जमीन पर देखा। रावण ने शिवलिंग को उठाने की लाख कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा, क्योंकि भगवान शिव ने कहा था जहां एक बार शिवलिंग को जमीन पर रख दोगे मैं सदा के लिए वहां स्थापित हो जाऊंगा। कहते हैं बैजनाथ धाम में मौजूद ये शिवलिंग वही है। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। शायद यही वजह है कि पिछले कई दशकों से इस इलाके में ना दशहरा मना ना ही रावण दहन होता है। पहले यहाँ भी देश भर की तरह दशहरा और रावण दहन होता था, लेकिन जान माल के नुकसान के बाद भक्त और भगवान के रिश्ते आस्था के साथ ऐसा मिला कि फिर कभी यहाँ ना दशहरा मना ना रावण दहन हुआ। तस्य शंकरस्य मंदिर रावणः तपस्या कुर्यात्। रावण यहाँ पर बैठ के कई हजार वर्ष विश्व विजयी होने का तप किया। 9 वाशिष काटा, 9 वाशिष जुड़ गया, दशानन रावण यहीं पर हुए। आज भी पूरे भारत में रावण का पुतला जलाया जाता है, दशहरा मनाया जाता है। हिमाचल के केवल बैना क्षेत्र में ना ही दशहरा मनाया जाता है ना ही रावण का पुतला जलाया जाता है। कहते हैं इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका, जिसके बाद मंदिर को 2 व्यापारी भाइयों ने बनवाया। बैजनाथ के आसपास कोई भी सुनार की दुकान नहीं है। कहते हैं इसके पीछे माता पार्वती का एक श्राप है। मंदिर जो है जब रावण यहाँ पर आया तो छोटा सा था, लेकिन द्वापर के इसमें जो पांडवों को गया था पांडवों ने एक रात में बनाया। द्वारा इसका रेनोवेशन हुआ 800 AD में। जो भारत सरकार के पास रिकॉर्ड है वो 8वीं शताब्दी का है। जो बाहर वाला पोर्शन जो वो रेनोवेट होता रहा है, लेकिन भगवान के साथ सटा हुआ जो विग्रह के विग्रह जहाँ पर है वहाँ पर जो मंदिर बना हुआ है वो प्राचीन है, बहुत ही कई हजार वर्षों का है। बैजनाथ मंदिर में मौजूद शिवलिंग अनंत है। मान्यताओं के मुताबिक मंडी के राजा ने इस शिवलिंग को अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन काफी खुदाई के बाद भी शिवलिंग का अंत नहीं मिल पाया, जिसके बाद राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और राजा ने मक्खन से शिवलिंग का श्रृंगार किया। ऐसी ही कई मान्यताओं के चलते बैजनाथ में भक्तों की आस्था है। यहाँ बताते हैं यहाँ की बहुत अच्छी मान्यता है, और जब भी हम कोशिश करते हैं कि कांगड़ा में आए तो इस मंदिर में आने की पूरी कोशिश करते हैं और यहाँ हम आते हैं और यहाँ बहुत अच्छा लगता है यहाँ मंदिर में आकर के। और जैसे प्राचीनतम मंदिर है और जो पूरे भारत में जो शिव जी के जो प्राचीन मंदिर हैं और जो जैसे ज्योतिर्लिंग है उन देखा जाए तो इस मंदिर का भी देखते हुए काफ़ी महत्व है इस मंदिर का। सतयुग से लेकर द्वापर युग तक की मान्यताओं के चलते शिव का ये धाम अटूट आस्था का केंद्र है। बैजनाथ मंदिर में हर साल हजारों श्रद्धालु पहुँचते हैं। शिवरात्रि से लेकर सावन और तीज त्योहारों पर इस मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। चौबीसों घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।